Hello children, today we are going to start the chapter Meet My Family. Okay, family is a group of people who live in the same house and are related to each other. It means family, परिवार वो होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ग्रुप में लोग रहते हैं, दो लोग, चार लोग, छह, ऐसे लोग एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे पापा मम्मी, भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, तो ये सब क्या है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और हम सब लोग एक साथ एक घर में रहते हैं, तो इसे हम लोग फैमिली कहते हैं. ओके, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फैमिली, मींस कि फैमिली के कितने प्रकार होते हैं. न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मींस छोटा परिवार, जॉइंट फैमिली मींस बड़ा परिवार एंड सिंगल पेरेंट फैमिली मींस जहाँ पे सिर्फ पापा या मम्मी बच्चों के साथ रहते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फैमिली. फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज. इट मीन्स कि वो फैमिली जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन, बस ये लोग रहते हैं तो ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली. द वर्ड जॉइंट सेज जुड़ा हुआ, हमें वर्ड जो जॉइंट है उससे ही समझ में आ रहा है कि जुड़ा हुआ. सो जॉइंट फैमिली मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज अ जॉइंट फैमिली. कह रहा है जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट्स और कजन्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं उसको हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हमारे दादा दादी, पेरेंट्स हमारे पापा मम्मी, सिबलिंग्स मतलब जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे सिबलिंग्स हो गए, अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची एंड कजन्स मीन्स जो हमारे चाचा चाची के बच्चे होते हैं वो. जब ये सारे लोग मिलके हम लोग एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं तो ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है, इसको हम लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं. समझ में आई बात बच्चों? नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली. Some children live with only one parent. Such a family is called a single parent family. It means कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं, मीन्स या तो पापा या तो मम्मी. बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जो बच्चे एक ही पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या पापा बहुत दूर काम करते हैं, या कुछ के पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है, तो बहुत सारे रीजंस हैं जो बच्चे सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं. सो वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल इन अ फैमिली. नाउ
This is a family tree. A family tree shows the relationship between different members of a family. A family tree always starts with the grandparents. They form the first generation. Parents, uncles and aunts form the second generation. Children form the third generation. It means family tree ये show करता है कि परिवार में कैसे कैसे relations हैं, जैसे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ, भाई बहन और चाचा चाची के बच्चे. जो हमारी family tree है वो हमेशा grandparents से start होती. It means कि हमारे दादा दादी जो हैं वो हमारी family के सबसे बड़े member होते हैं. तो वो first generation होती है. उसके बाद हमारे दादा दादी के बाद हमारे parents होते हैं, पापा मम्मी, चाचा चाची या जो बुआ हैं, ये तो ये हमारी second generation है. और जो हमारे भाई बहन हैं या हमारे चाचा चाची के बच्चे हैं वो हमारे third generation में आते हैं. Generation means पीढ़ी, तो वो हमारे third generation में आते हैं. See, it's a joint family and shows the relationship between different members of a paternal family. ये एक joint family है और ये relations दिखा रही है कि जो उसके parents की जो family है उनके बीच में यहाँ पे relations दिखा रहे हैं. Okay, let's take example of Tanya's family. In first generation, grandfather and grandmother is there. In second generation, includes her papa, mummy, chacha, chachi and bua. And Tanya and her cousins form the third generation. Means first generation mein dada dadi hain, second generation mein Tanya ke papa, mummy, chacha, chachi aur bua. And third generation mein Tanya aur uske cousins hain. Okay? See in this. In first generation, Nana, Nani is there. In second generation, Tanya's father, mother, mama, mommy, mausi and mausa is there. And in third generation, Tanya is there and her cousin brothers and sisters is there. Okay? Okay. So, the first generation of a family includes grandparents only. The second generation of a family includes parents and chacha chachi, mama mami, mausa and mausi. And the third generation includes children, siblings, yeah, cousins, brother and sisters.